हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो पेट्रोलिंग के बारे में है। जो रेलवे ट्रैक में पेट्रोलिंग की जाती है, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सेक्शन हैविंग लॉन्ग वेल्डेड रेल अर्थात LWR पेट्रोलिंग इज डन। जिस सेक्शन में LWR होते हैं, उसमें पेट्रोलिंग की जाती है। व्हेन द रेल टेम्परेचर इज लेस देन TD-30 degree अर्थात जब रेल टेम्परेचर TD-30 degree से कम होती है, तो उस समय कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जाती है। टीडी का अर्थ यहाँ पे होता है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, जो कि 40 डिग्री माना गया है। दूसरा कंडीशन, व्हेन रेल टेम्परेचर एक्सीड्स TD+20 degree Celsius मतलब जब रेल टेम्परेचर TD+20 degree से ज़्यादा होते हैं, तो उस समय दिन में हॉट वेदर पेट्रोलिंग लगा दी जाती है। तो ये दो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, TD-30 फॉर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग और TD+20 फॉर हॉट वेदर पेट्रोलिंग। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका फैक्ट जिसको मैं बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एनिमेशन के माध्यम से भी मैंने इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स को दिखाया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के कई प्रकार होते हैं। पहला, की मैन डेली पेट्रोलिंग, मतलब जो की मैन डेली रेलवे ट्रैक में पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी सेक्शंस देखते हैं, वो हो गया। और दूसरा, गैंग पेट्रोल ड्यूरिंग एबनॉर्मल रेनफॉल आर स्टॉर्म, जब ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश होता है या फिर मौसम ख़राब होता है, उस समय गैंग के द्वारा पेट्रोलिंग किया जाता है। तीसरा, मानसून पेट्रोलिंग, बारिश के मौसम में जो पेट्रोलिंग होता है। चौथा, हॉट या कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, गर्मी के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में जो पेट्रोलिंग लगाया जाता है फॉर लॉन्ग वेल्डेड रेल के लिए, या फिर CWR अर्थात कॉन्टिन्यूस वेल्डेड रेल के लिए। पांचवा, वॉचमैन एट वल्नरेबल लोकेशंस अर्थात कमज़ोर या क्रिटिकल लोकेशन पर पेट्रोलिंग करना। सिक्स, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूरिंग सिविल डिस्टरबेंस एंड स्पेशल ओकेशंस अर्थात विशेष अवसरों पर या सामाजिक डिस्टरबेंस के समय गश्त करना। इसके बाद देखते हैं जो पेट्रोलमैन की स्पीड होती है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट, ड्यूटी ऑफ पेट्रोलमैन, पेट्रोलमैन के कौन कौन से ड्यूटी हैं। पहला, सेफ्टी फर्स्ट रूल, सुरक्षा नियम सबसे पहला है। दूसरा, मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड सेफ्टी रेंज ऑफ डेटोनेटर्स अर्थात डेटोनेटर पटाखे लगाने की उचित दूरी और सही तरीके। तीसरा, प्रोटेक्टिंग द लाइन इन एन इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग वर्क्स अफेक्टिंग द ट्रैक सेफ्टी, मतलब इमरजेंसी के समय आपको प्रोटेक्शन करना फॉर ट्रैक सेफ्टी के लिए, जिसमें आपका ट्रैक किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। चौथा, एक्शन टू बी टेकन व्हेन ए ट्रेन इज नोटिस टू हैव पार्टेड हैविंग हॉट एक्सल
और एनी अदर अनयूजुअल, मतलब जब ट्रेन पास हो रही है तो उसके हैंगिंग पार्ट या उसके दो भाग में बटने या फिर किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में तुरंत एक्शन लेना। पांचवा, एक्शन टू बी टेकन वेयर सेबोटेज इज सस्पेक्टेड एंड पेट्रोलिंग इन इमरजेंसी, जहां पे तोड़फोड़ की संभावना हो वहां पे भी पेट्रोलिंग लगाई जाती है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, पेट्रोलमैन शुड मूव एंटी डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब जिस ओर से ट्रेन गुजरती है उसी के डायरेक्शन में आपको मुख करके जाना है ताकि सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई पड़े। दूसरा, एट द टाइम ऑफ पासिंग द ट्रेन वी शुड मूव टू द सेस साइड ऑफ ट्रैक, मतलब जब ट्रेन गुजर रही हो उस समय हमको सेस साइड में उतर जाना चाहिए, कभी भी दूसरे लाइन में नहीं जाना चाहिए, हमेशा सेस साइड में ही उतरना चाहिए, अर्थात किनारे के साइड में। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप योर आई एंड ईयर ओपन एंड अलर्ट, हमेशा अपने आँख कान को खुले रखें और अलर्ट रहें। नेक्स्ट, रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान अपने हाथ में कम से कम एक स्टिक या छड़ी जरूर रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलिंग के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। इसमें पहला है 10 फॉग सिग्नल इन ए टिन केस, 10 फॉग सिग्नल होना चाहिए एक टिन केस में। दूसरा, 2 ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च। तीसरा, 1 माचिस बॉक्स। चौथा, 2 रेड फ्लैग्स एंड 1 ग्रीन फ्लैग। पांचवा, 1-3 सेल इलेक्ट्रिक टॉर्च। इसके बाद 6 नंबर, 1 स्टाफ फॉर नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी। 7 नंबर प्लेट, जिसमें पेट्रोलिंग का नंबर लिखा रहता है उस बैच का। 8 नंबर स्पैनर। 9 नंबर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू लोकल ड्रेस रेगुलेशंस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी शू, गम बूट्स, सेफ्टी जैकेट, रेनकोट, हेलमेट विथ हेडलाइट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद 10 नंबर पेट्रोल चार्ट, पेट्रोल चार्ट दिया जाता है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको कितनी दूरी जाना है, कितने बजे कहां आपको पहुंचना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव या कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आप सभी का जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज को पाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।